स्वशनोऽभिवर्षे महिते वैरं ददायो गन्ध अमृत पुष्पं समर्पयामि देव्य ऋतु फल। ओम नारायणे नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। हलवा, अब हलवा है तो हलवे की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। तीन दिन हलवा नहीं, तीन दिन चाहिए। ओम नमो भगवते वा आप मिष्ठान नमस्कार दोस्तों, समर्थ भारत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल सैनी। दोस्तों आज हम खड़े हैं रामनगर राम मंदिर में। यहां पे एक महायज्ञ का कार्यक्रम रखा गया था जिसमें कि अलग अलग 9 या 11 तरह के अमंड कुंड लगाए गए थे। आइए पंडित से जानकारी लेते हैं क्या ये कार्यक्रम था और किस तरह का ये हमन यज्ञ रखा गया था। ये कार्तिक महात्म्य की यहाँ पे एक मास की कथा चल रही थी श्री राम मंदिर रामनगर रुड़की में। आज कथा का यज्ञ का भोग था, विश्राम जिसे कहते हैं, तो उस उपलक्ष्य में यहाँ पे एकादश कुंडीय यज्ञ यहाँ पे रखा गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने बहुत श्रद्धा से बढ़ चढ़ करके इस यज्ञ में भाग लिया और काफ़ी संख्या में लोग इस यज्ञ में आहुति देने के लिए पहुँचे हुए थे। पंडित जी, काफ़ी तरह के यहाँ पे कुंड बनाए गए थे, तो उसके विषय में बताइए। देखिए 9 कुंड तो पहले हमारे 9 ग्रहों के जैसे होते हैं, सब अलग अलग कुंड बैठे बने हुए थे और जब संख्या अधिक बढ़ गई, श्रद्धालु लोग बहुत थे, तो 2 कुंड हमने और बनाए, तो 11 कुंड इसमें कर दिए। प्रत्येक कुंड में अलग अलग ब्राह्मण और एक कुंड में कुछ भी नहीं तो 21-21 यजमान एक ब्राह्मण एक कुंड में बैठे हुए थे। उसमें हमारे जो कथा चल रही है कार्तिक महात्म्य की, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का, इस मंत्र के 108 आहुति तो इसकी दी गई और नवग्रहों की और 16 मातृकाओं की इस प्रकार और सर्वे भवन्तु सुखिनो की कामना के निमित्त किया गया ये यज्ञ। सब लोग सुखी रहें, भगवान शंकर के त्र्यंबकम् यजामहे इस मंत्र द्वारा आहुति दी गई, सभी लोग प्रसन्न रहें, खुशी रहें, निरोगी काया हो, इस निमित्त ये यज्ञ किया गया। ये कार्तिक की मास की पूर्णिमा को, पूरे मास हमारे यहाँ कथा चलती है और कई वर्षों से और 20 अक्टूबर से ये कथा प्रारंभ हुई थी। आज 19 नवंबर कार्तिक शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को इसे यज्ञ का विराम हुआ और यज्ञ की पूर्णाहुति दी गई। सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ जो इस यज्ञ में पधारे हैं, और माताओं की संख्या, बहनों की संख्या इस यज्ञ में अधिक रहती है। और इसे कार्तिक के महीने में हम सभी त्यौहार बड़ी श्रद्धा के साथ और बड़ी धूमधाम से उत्सव के रूप में मनाते हैं। जैसे गोपाष्टमी है, नवमी की अक्षय नवमी आंवला की पूजा करना, नगर की प्रभात फेरी करना, एकादशी को तुलसी विवाह करना, द्वादशी को ध्वजारोपण करना, ये सब हम और भीष्म पंचक जो एकादशी से पूर्णिमा तक होते हैं, भीष्म पंचक का हम लोग व्रत और क्या इसमें लेना चाहिए, क्या दोष क्या निषेध, ये सब बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ करते हैं। श्रद्धालुओं के लिए मेरी यही संदेश है कि आप इसी तरह जिस प्रकार कार्तिक में आते हैं, इसी प्रकार माघ माहात्म्य भी होता है, श्रावण माहात्म्य भी होता है और बैसाख की भी कथा होती है। आप लोग अन्य कथाओं में इसी प्रकार आएँ, बढ़ चढ़ करके भाग लें और मन पवित्रता से इस यज्ञ को करें। सभी भगवान सबकी कल्याण करते हैं, सबका सर्वे भवन सुखना की कामना करते हुए सबका हित हो, सबका कल्याण हो, ऐसी परोसे प्रार्थना करता हूँ। सबके लिए संदेश है कि सब जो है स्वस्थ रहें, मस्त रहें और प्रभु पे विश्वास बनाए रखें। और जीवन संघर्षमय तो होता है, लेकिन जीवन में अपने धैर्य को न खोएं, उस परमात्मा का हर हाल में उस पर विश्वास बनाए रखें, वो परमात्मा हमारा हमेशा साथ देगा। ये यज्ञ कार्तिक माह की जो कथा हुई पिछले एक माह की, आज उसके ये समापन था, भोग पड़ा था, उस पर ये 11 कुंडीय एकादशत कुंडीय आज ये हवन हुआ है। सर, क्या इसका कुछ महत्व है, कुछ बताइए दर्शकों को। कार्तिक माह का बड़ा ही महत्व है, इसमें
तुलसी की पूजा होती है, आंवले की पूजा होती है, भगवान विष्णु को याद किया जाता है और देव उठानी एकादशी देव दीपावली ये सभी इसी माह में पड़ते हैं जिसका अपने आप में पुराणों में बहुत महत्व है। सर दर्शकों के लिए कुछ शुभकामनाएं? मैं सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज ये यज्ञ हुआ, ये हमारे देश की प्रदेश की सुख शांति के लिए और सभी स्वस्थ रहें सुखी रहें ऐसी कामना के साथ किया गया।